आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरन की सब्जी, जिसे जिमीकंद या फिर ओल के नाम से भी जाना जाता है। हम बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर तैयार करेंगे। ये एक ऐसी सब्जी है जो हम सभी के घर में दिवाली के दिन जरूर बनती है। नमस्कार, होम कुक माही में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूरन की सब्जी। तो चलिए हम आज की मजेदार सूरन की सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। सूरन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ हमने 500 ग्राम जितना सूरन लिया है और इसका छिलका उतार कर हमने ऐसे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे साफ कर लिया है। इसे हम साइड रखेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दो बड़ी साइज के प्याज, उसका बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने बना कर ले लिया है। आप चाहें तो इसे पेस्ट बनाने की जगह बारीक कट करके भी ले सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही यहाँ मैंने तीन बड़े साइज़ के टमाटर बड़े टुकड़ों में कट करके लिए हैं। और खड़े मसालों में हमने लिया है दालचीनी, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, हरी इलायची और काली मिर्च। तो इन सभी मसालों को हमें टमाटर के साथ में पीस करके लेना है। यहाँ पर जो बड़ी इलायची है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैं पूरी इसे यूज़ नहीं करूँगी, मैंने उसे आधा लिया है। और इन सभी मसालों को हम टमाटर के साथ में डाल करके पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करके हमने एक कुकर चढ़ा दिया, उसमें हम डाल देंगे एक बड़े चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर सब्जी को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाए, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और बस पूरे कुकर में इस तरह से हम तेल को एक बार फेर देंगे। इसके बाद तेल को हमें अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देना है। तो यहाँ पर तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं ये हमारे सारे सूरन जो थे वो ऐड कर दूँगी। और हमें सूरन को अच्छे तरीके से भून करके लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूरन अगर हम पहले ही उसे तेल में फ्राई कर लेते हैं तो उससे अगर सूरन गले में लगने वाला होता है ना तो वो नहीं होता है, और साथ ही सूरन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप भी जब भी सब्जी बनाएं तो इस तरह से सूरन को एक बार तेल में डाल करके ज़रूर फ्राई कर लें, उससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए लगभग हमने 3 से 4 मिनट तक इसे फ्राई किया है, और अब हमारा सूरन जो है वो बढ़िया तरीके से फ्राई होकर के तैयार हो गया है। और आप देखेंगे ना तो उस पर एक अच्छी रेड लेयर भी आ जाएगी। तो इतना हमें इसे फ्राई करके लेना है। तो यहाँ मैं सारा बाहर निकाल लेती हूँ। अब सेम कुकर में ही मैं 1 चम्मच जितना तेल और ऐड करूँगी, और हम तेल को अच्छे तरीके से बिल्कुल गर्म हो जाने देंगे। तो जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज़पत्ता। उसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना जीरा। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना हींग। हींग ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का। और उसके साथ ही यहाँ मैंने 1 चक्रफूल लिया है। बस इन सभी को डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जब मसाले बढ़िया तरीके से लाल हो जाएं तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे मसाले जो हैं वो बढ़िया तरीके से बिल्कुल चटक गए हैं, बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। तो अब हम ये सारे हमारे जो प्याज का पेस्ट था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और बस बढ़िया तरीके से हमें इसे भी मिक्स कर देना है। अब हम प्याज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से लाल होने तक पका करके लेंगे। तो हमें इसे पकाने में कुछ 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं इसे ढक कर के इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ लगभग 3 मिनट हुए हैं, हम चेक करेंगे तो हमारा प्याज जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है और काफ़ी अच्छा लाल भी हो गया है। बस इतना ही पकाना था इसे। तो अब यहाँ पर जो हमने खड़े मसाले और टमाटर का पेस्ट बना कर लिया था ना वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे, और बस इसे भी हम बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। तो आप चाहें यहाँ पर ही मसालों को ऐड कर दें, खड़े मसालों को टमाटर के साथ पीस के, या फिर आप खड़े मसालों को अलग से भी पीस कर डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही हमने ऐड किया है 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ ही 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला, और बस इन सभी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ, और अब हम वापस से इसे ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ लगभग 5 मिनट हुआ है तो हम एक बार चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आप, मसाले बहुत बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और तेल भी जो है इनसे वो अलग हो चुका है। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, तो आप उसे ऐड करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच जितना
काश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। ये ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत अच्छा ले आता है, इससे जो है ग्रेवी हमारी बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी। तो आप लाल मिर्च अगर नॉर्मल वाली ऐड कर रहे हैं तो आप उसे कम ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। और वापस से हम इसे ढक कर के 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ लगभग 2 मिनट हुआ है और हम चेक करेंगे तो यहाँ हमारा मसाला जो है वो पूरी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 से 6 मिनट अपना मसाला इसे पका करके लिया है। अब हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट इसे पक चुका है। तो यहाँ पर अब हमने जो सूरन फ्राई करके रखे थे ना, वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें मसालों के साथ में सूरन को पका करके लेना है। तो यहीं पर मैं स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दूँगी और बस मसालों में अच्छे तरीके से हमें सूरन को मिक्स कर देना है। अगर आप मसालों के साथ में सूरन को पकाते हैं ना, तो मसाले जो हैं वो सूरन के अंदर तक जाएंगे और सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो बस मैं इसे ढककर इसी तरह से फिर से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। तो यहाँ लगभग 5 मिनट हुआ है, हम लीड हटाएंगे तो देखिए बढ़िया तरीके से बिल्कुल हमारे मसालों के साथ में सूरन पक चुके हैं, तेल भी इनसे अलग हो चुका है। तो अब हमारा मसाला और सूरन जो है वो बढ़िया तरीके से पक कर तैयार है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं 1 कप जितना गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और बस बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। सब्ज़ी में हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें, उससे क्या होता है कि सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया बना रहता है। और अब हम इसका लीड लगा करके इसे 3 सीटी आने तक पका कर लेंगे, जिसमें 1 सीटी हाई और 2 सीटी लो फ्लेम पर रहेगी। तो यहाँ हमारी 2री और 3री सीटी आ चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसी तरह से हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इसका सारा प्रेशर निकल गया है। तो अब हम कुकर को खोलेंगे और देखिए कितना मज़ेदार कलर लग रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो इसी तरह से हमें सूरन की सब्ज़ी को एक बार मिक्स कर लेना है। इसे हम एक बार दबा कर देखेंगे तो सूरन हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना कसूरी मेथी। इस तरह से हम हाथ पर क्रश करके डाल देंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें धनिया पत्ता। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए मैं धनिया पत्ता बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा यूज़ करें, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और मिक्स कर लिया तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। चलिए हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। और बस ये देखिए हमारी सुपर टेस्टी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल सूरन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। मैंने इसमें कोई भी स्पेशल चीज़ यूज़ नहीं किया है, बस हमारे घर पर जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके साथ ही मैंने इसे बनाया है। तो आप भी इस तरह से इस दिवाली पर सूरन की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें, पक्का वादा है कि घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी ले आनी है। साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।